हमारे सामने उसके कपड़े फाड़े गए। नाजरीन आपको बड़ी खबर से आगाह करते चलें, जेल से रिहा होने वाली एक खातून ने खवातीन से बदसलूकी और इनको बरहना करने की पूरी गवाही दे दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से दरख्वास्त है कि जब गवाही मौजूद हो तो कसूरवार को सजा दिलाना आपका फर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेहतरीन गवाह वो है जो दरियाफ्त करने से पहले ही सच्ची गवाही दे दे। आप भी वीडियो मुलाजा कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ एक बच्ची थी अनीबा, मैं उससे वैसे नाम मुझे नहीं लेना चाहिए था, वो किसी बैंक में काम करती हैं। हमारे सामने उसके कपड़े फाड़े गए, हमारे सामने उसे टॉर्चर किया गया, मर्दों ने औरतों ने मिलके टॉर्चर किया उस लड़की को। और उस अभी वो हमारे साथ ही रिलीज हुई थी, लेकिन वो इतनी वो है कि अपनी जॉब के लिए परेशान है कि उसे दोबारा जॉब पर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम तो बेटा आप लोगों को सबको पता है, जिस सिस्टम में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, और जो हमारे जैसे मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते वो किधर जाएं? इंसाफ किससे मांगें? अदलिया से कहाँ मिलेगा? इस पुलिस से कहाँ मिलेगा? मुझे तो नहीं है उम्मीद किसी इसकी।